अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो अब मैं आप लोगों को कराने लगी हूँ जो ईएनटी के हमारे जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, जो एंड में आपकी ढिंगरा में गिवन है। लाइक आपको वैसे तो बीच में बहुत सारी शायद हम चीज़ों का जिक्र करते हैं, लेकिन वो वाले जो प्रोसीजर्स जो एंड में गिवन है, जिनमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम करेंगे। लेकिन उसमें भी मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें कराऊंगी जो आपके एग्जाम में आती हैं। याद रखना, आपको पता भी होगा, मैं अभी आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि हमारे पास मेजर जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं ना, मतलब काफ़ी सारे यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं, उनमें से किसी के स्टेप्स आपसे नहीं पूछते। ये आपने याद रखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप सर्जरी को देखते हैं तो आपको स्टेप्स समझ में आते हैं, और सर्जरी करते हुए या मतलब उसको जाहिर है करने के लेवल पे ना भी हो तो देखने के लेवल से आपको ज़्यादा वो चीज़ सही समझ आती है। तो हमारे पास अभी बिकॉज जाहिर है ईएनटी को हम एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रहे हैं, एक स्पेशलिटी के तौर पर नहीं पढ़ रहे, तो इस वजह से हमारे पास जब भी क्वेश्चन आता है ना, कभी भी आपसे स्टेप्स नहीं पूछेंगे। वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास एसईक्यू में आपसे पूछ लिया उनने के रेडिकल मेस्टेरेक्टमी के स्टेप्स बताए, या वाइवा में भी इवन। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके स्टेप्स का आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे कि मेरे इंगोटमी में आपको पढ़ाऊंगी, या फिर हमारे पास जो नोज की सेप्टोप्लास्टी है, या एसएमआर का, एसएमआर जो आपकी सर्जरी या डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी है, उनका आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रूटीन में आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं जिन मतलब मैं आपको एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ है ना, मैं इसमें वो आपको वो बताऊंगी। आप ये मतलब समझिएगा कि मैं आपका जो चैप्टर लिखा हुआ, जो लिखा हुआ वो आप भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी उन्होंने इसी ऑर्डर में लिखा है, जैसे मैं इंडिकेशंस है, एनेस्थीजिया है वगैरह वगैरह, वो सब आप पढ़ भी सकते हैं, मतलब उसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बताऊंगी कि एग्जाम में जो आती हैं और उनका आपने याद कैसे रखना है, क्योंकि ये ज़रा से प्रोसीजर जब आप पढ़ते जाते हैं ना, तो आपको समझ नहीं आती कि भाई आप इंसानों को पहली बात याद कैसे रखें, फिर इनमें से क्या चीज़ याद रखनी है। तो स्टेप्स पे आपने जिनका मैं कहूँगी, जिनके खास तौर पे लंबे लंबे प्रोसीजर्स हैं, बिल्कुल भी नहीं, एक एक लफ्ज़ भी आप नहीं पढ़ेंगे ना तो भी इट्स फाइन। बस आपको एक मेजर अप्रोच का तरीका उसका पता होना चाहिए। मतलब मैं आपको बताने का मकसद है कि सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगी जो आपके एग्जाम में आती हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, आपके भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उससे पहले अल्लाह करे इंशाल्लाह काफ़ी सारा जितना हो सकेगा हमसे ये ईएनटी के बाद जो और चीज़ें रह गई हैं, पैथों का कुछ रह गया वो भी कवर करना है इंशाल्लाह, तो वो हो जाए आगे। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले ईयर का ये प्रोसीजर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे ईयर करेंगे, फिर नोज करेंगे, और फिर थ्रोट करेंगे, और ईयर में जैसे चैप्टर का ऑर्डर है उसी हिसाब से इंशाल्लाह चलूंगी। सबसे पहला जो लिखा हुआ मेरे इंगोटमी है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, दोबारा से एक दफा रिविजन हो जाएगी आपकी, तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास ईयर में वी हैव एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, सबसे पहले सॉरी, ये आपका पिन्ना बन गया ईयर का, और यहाँ से ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस जहाँ पे जाके एंड होते हैं, वहाँ पर आपके पास एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, आप सबको पता है। ठीक है, अगर हम वैसे ड्रॉ करते हैं तो ये आपको सामने से नजर आती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब अगर इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को में हम इंसिजन बनाएं, खुद जान बूझ के हम इसमें इंसिजन करें, हम यानी हम इसमें कट लगाएं, क्यों लगाया जाएगा, कट के अंदर आपके पास इसके पीछे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर सारा ये आपका मिडल ईयर है। ठीक है, ये सारी मिडल ईयर कैविटी है जो आपके इन एक्सटर्नल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद आती है। ठीक है, ये एक्सटर्नल ईयर है, ये आपका मिडल ईयर आ गया। तो मिडल ईयर में अगर कोई फ्लूइड कलेक्टेड है, कोई भी किस्म की सिक्रीशंस है जो ड्रेन नहीं हो पा रही और हम उनको ड्रेन करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो खुद ब खुद ड्रेन नहीं होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में सुराख करना पड़ेगा ताकि ये सब कुछ ड्रेन हो जाए, और इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में हल्के से इंसिजन देने को या सुराख करने को, जो जिसका भी आप नाम दें, इंसिजन ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है, इसलिए इंसिजन देना ताकि ये आपकी जितनी भी सिक्रीशन अंदर है कलेक्टेड, ये ड्रेन हो जाए, उसको हम मेरिंगोटमी कहते हैं या टिम्पेनोस्टमी कहते हैं। लफ्ज़ आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि आपके पास कभी कभार वो ना कंफ्यूजिंग से वर्ड्स देते थे, सपोज आप उसे वो यही डेफिनेशन पूछते हैं कि गिविंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन इंसिजन इन द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फॉर द पर्पज ऑफ ड्रेनेज ऑफ सिक्रीशन इज कॉल्ड एज। ठीक है, अब ऑप्शन भी आपको दे देते हैं, टिम्पेनोस्टमी, टिम्पेनोप्लास्टी या मिएटोप्लास्टी, इस किस्म के दे देंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, टिम्पेनोस्टमी एंड मेरिंगोटमी एक ही चीज है, बाकी अलग है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, मेरिंगोटमी में सिंपली इंसिजन देना है, इंसिजन को ठीक कैसे करना है, इंसिजन दोबारा बंद होगा नहीं होगा, वो मेरिंगोटमी का पोर्शन नहीं है। अगर हमें इंसिजन को दोबारा बंद करना पड़ता है, सपोज मैंने यहाँ पर इंसिजन दिया, मैंने सिक्रीशन को ड्रेन कर लिया, और उसके बाद नॉर्मली ये होता है कि हम इसको क्लोज नहीं करते, ये खुद ही क्लोज हो जाता है कुछ अरसे में। ठीक है, बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है, कुछ दिनों की बात होती है। लेकिन अगर ये क्लोज नहीं हो रहा किसी वजह से और हमें क्लोज करना पड़ता है, तो वो मेरिंगोटमी में नहीं आता, वो मेरिंगोप्लास्टी में आता है, वो हम आगे डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, मेरिंगोटमी सिर्फ डेफिनेशन इतनी है कि मेकिंग इंसिजन इन द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फॉर द ड्रेनेज ऑफ सिक्रीशन, ये बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए इसको टाइम दिया। अब आपसे जो बात आपने कभी भी नहीं भूलनी ना किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर की, वो तीन चीजें हैं, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, एनेस्थीजिया एंड पोजिशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जिन जिन में ज़ाहिर पोजिशन की जरूरत होती है उनमें हम लिखते हैं, जिनमें कोई खास जरूरत नहीं होती उसमें नहीं लिखते होते, लेकिन जिन जगह पर आपको ये चार चीज़ें मिलेंगी ना, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन,
एनेस्थीजिया कौन सा देना है एंड पोजिशन ऑफ द पेशेंट क्या है, और किसी हद तक कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र भी आ जाता है, ठीक है। ये चीजें आपसे एसईक्यू में पूछते होते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं। इनको आपने हाथ से किसी भी सूरत नहीं जाने देना, और इनको याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं भी आपको साथ से बता देती हूँ कि आपको हर वीडियो के साथ ही याद होती जाएगी। अब आप खुद सोचें, हमने कहा कि फ्लूड कलेक्टेड है उसको ड्रेन करना है, जिन जिन चीजों में फ्लूड अंदर कलेक्ट हो सकता है अगर आपने ईयर को पढ़ा हुआ है ना, तो आपको इंडिकेशंस खुद ब खुद लिखने में जहन में आ जाएंगे, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लूड कब कलेक्ट होता है, फ्लूड हमने पढ़ा था कि एक्यूट सेपरेटिव टाइटिस मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट वो हमारे पास कंडीशन होती है जिसमें मिडिल ईयर में पस सारी की सारी कलेक्ट हो जाती है, और वो एक्यूट सेपरेटिव टाइटिस मीडिया ही होता है जिसमें वो पस नॉर्मली खुद ब खुद ड्रेन नहीं होती और हमें ड्रेन करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पस इस कदर बल्ज हो जाती है, इस कदर कलेक्ट हो जाती है कि खुद ही टिपेनिक में ब्रेन में सुराख होके वो बाहर निकल आती है। लेकिन अगर वो नहीं निकल रही, पेशेंट आपके पास जल्दी प्रेजेंट कर गया और वो कहते हैं कान में शदीद दर्द है और टिम्पैनिक में ब्रेन बल्जिंग दिख रही है आपको, तो फिर आपको उसको एनेस्थीसिया देके उसमें इंसिजन देनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिकेशन ही होगी। दूसरी, फिर आप हम इन्हें ASM के बाद, वैसे हमने पढ़ा था CSOM क्रॉनिक सेपरेटिव टाइटिस मीडिया, लेकिन क्रॉनिक सेपरेटिव टाइटिस मीडिया में हमेशा ही खुद ब खुद ही इंसिजन बन चुका होता है, मतलब सुराख हो चुका होता है टिम्पैनिक में ब्रेन में, और पहले से ही ड्रेनिंग ईयर होता है, तो CSOM कभी भी इसमें नहीं आएगा। बच्चे गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं, CSOM में हमें ब्रेनिंगोटमी की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज CSOM में ऑलरेडी टिम्पैनिक में ब्रेन परफोरेटेड होती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन है, यानी कि जिसके अंदर हमने कहा था कि सीरियस ओटाइटिस मीडिया होता है जिसके अंदर नॉर्मल हमारे पास फ्लूड कलेक्ट हो जाता है अंदर, जो पस नहीं होती उसमें भी हमें ड्रेन करना पड़ता है कभी कभार। फिर कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास, मैंने आपको जिस तरह बताया था कि आपका जो खासतौर पर जब आप ऊपर और नीचे हाइट पे या नीचे जाते हैं, उससे मेरा मतलब है कि जब आप ज़्यादा, हमने बात की थी हाइट पे जाते हैं या फिर आप ज़्यादा डीप सी में जाते हैं, तो अक्सर आपको पास जो है वो कानों में आपने कहते चप्पे चढ़ जाते हैं, जिसको हमने एरोटाइटिस मीडिया पढ़ा था, उसमें भी प्रॉब्लम ये होती है कि यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन जो है ना वो खराब हो जाता है, वो आपके मिडिल ईयर को एरिएट नहीं कर रही होती, वो उसके अंदर एयर नहीं लेके आ रही होती, तो उस एरिएशन की खराबी की वजह से ना हमारे पास मिडिल ईयर में या तो फ्लूड कलेक्ट होने लग जाता है या फिर वो बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी हमें इंसिजन देनी पड़ती है, या फिर अगर एटिलेक्टेसिस, वही बात है, कोलैप्स ऑफ द मिडिल ईयर वो ड्यू टू एनी रीजन, तो उसके लिए भी हम इंसिजन दे सकते हैं। तो इंडिकेशन जो है ना वो आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाती है अगर आपको प्रोसीजर का मतलब पता हो तो, ठीक है, इतनी सी बात है, अदरवाइज एक दफा पढ़ने से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एनेस्थीसिया की जब बात आएगी ना, तो एनेस्थीसिया हमेशा याद रखना कि बच्चों में 99% ऐसा ही होता है कि हम हमेशा जनरल एनेस्थीसिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं 99% केसेस में, हर प्रोसीजर की बात कर रही हूँ, इसमें तो करना ही करना है ना, इसमें तो बच्चों को आपने जीए दे के ही करना है, लेकिन वैसे ओवरऑल सारे प्रोसीजर्स में 99% ऐसे ही होते हैं जिसमें बच्चों को हम जीए दे रहे होते हैं क्योंकि बच्चे इरिटेबल होते हैं। एडल्ट्स में ये वाला जो प्रोसीजर है ये ऑलमोस्ट जीए सिर्फ तब जरूरत पड़ता है जब बंदे को बहुत शदीद इन्फ्लेमेशन और वो बहुत शदीद दर्द के साथ आया, तो उसमें हमें पेशेंट को जीए देकर देनी पड़ती है इंसिजन। लेकिन अगर नॉर्मल केस जैसे ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन का केस है, कोई खास दर्द नहीं है, कोई खास इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो हम लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं या फिर विदाउट एनेस्थीसिया भी हो सकती है, कोई ऐसी जरूरत नहीं होती होती, तो एडल्ट्स में ये सिलसिला, ठीक है। अच्छा, अब इसके स्टेप्स में ना आपने जो दो बातें बहुत जरूरी याद रखनी है वो इंसिजन की बात है कि जाहिर है इसमें हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एक इंसिजन देना है। सबसे पहले हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है वो साफ सूफ करके अच्छे से, और हमने उसके बाद इंसिजन देना। माइक्रोस्कोप के अंडर देते होते हैं, डायरेक्ट देख के नजर नहीं आते इसलिए ऐसे नहीं लेते, लेकिन आपने याद रखना जब आपका ओटाइटिस मीडिया ये होते हैं ना एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, तो आप ज्यादातर सर्कमफ्रेंशियल इंसिजन, यानी जो आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसके अलोंग पोस्ट्रो इन्फीरियर क्वाड्रेंट, ये वाला जगह मैंने दिया, यहाँ इंसिजन देते हैं। पोस्ट्रो इन्फीरियर इसलिए क्योंकि ये वाला डिपेंडेंट सा पार्ट होता है और इससे आपकी जल्दी ड्रेनेज हो जाती है, ठीक है, और जाहिर सी बात है इन्फीरियर पोर्शन में ही हम देते हैं ना क्योंकि ड्रेन आसानी से हो जाए, तो जो सर्कमफ्रेंस के अलोंग इंसिजन देते हैं वो आपका एक्यूट सेपरेटिव टाइटिस मीडिया में देते हैं हम, ठीक है। ज्यादातर जो आपका ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन या सीरियस ओटाइटिस मीडिया वगैरह टाइप चीज होती है, इसमें हम ज्यादातर रेडियल, रेडियल का मतलब होता है रेडियस के अलोंग इंसिजन एंट्रो इन्फीरियर क्वाड्रेंट में देना प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये आपका एंट्री एंटीरियर और इन्फीरियर है, ये पोस्टीरियर और इन्फीरियर क्वाड्रेंट है, तो रेडियस आपका जैसे एक बना रहा होता है ना आप सर्कल का, उस तरह से आपने इंसिजन देना होता है इसमें, इसमें जो इफ्यूजन वाला, क्योंकि इसमें आपकी सिक्रीशन थोड़ा टाइम तक प्रोड्यूस होती रहती हैं, तो हम चाहते हैं कि वो ड्रेन होती रहें, ठीक है, इस वजह से। और अगर आपने ग्रोमेट भी इंसर्ट करना हो ना, ग्रोमेट का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इंसिजन जल्दी बंद ना हो और वो खुला रहे, तो आप उसके अंदर एक छोटा सा पाइप सा होता है, पाइप ही समझ लें, जिसके दोनों तरफ सुराख होता है ऐसे करके ना, नलकी आपने देखी हुई है जो, जिससे हम सुई धागे वाली जो नलकी होती है जो आपकी सिलाई में इस्तेमाल होती है, उस नलकी की तरह की एक छोटी कंप्रेस्ड फॉर्म, नलकी तो इतनी बड़ी होती है ना, एक लंबी सी होती है ऐसे करके, उस नलकी की कंप्रेस्ड फॉर्म होगी आप ग्रोमेट कर ले, जिसके दोनों तरफ सुराख होते हैं,
वो हम इस अपनी जो इंसिजन बनाते हैं ना उसके अंदर हम ग्रोमेट इंसर्ट कर देते हैं। वो इंसर्शन का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये इंसिजन बंद ना हो, वरना खुद ब खुद अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो ये कुछ दिनों में बंद हो जाती है, खुली रहे। और खुले रखने का मकसद ये होता है कि इंसिजन में इसके अंदर से मिडल ईयर से जो सिक्रीशन है वो ड्रेन होती रहे। जब हमें ये डर होता है कि सिक्रीशन कुछ अर्से तक रहेंगी, बनती रहेंगी, तो उनकी ड्रेनेज हमें चाहिए होती है मुसलसल, उसके लिए हम ग्रोमेट को इंसर्ट करते हैं। तो अगर आपने ग्रोमेट भी इंसर्ट करना है तो आप एंट्रो इन्फीरियर इंसिजन में इंसर्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो ज़्यादा अर्से तक रहता है, पोस्टीरियर वाला बहुत जल्दी निकल आता है। ठीक है, तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे स्टेप्स में से यही बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर आपके पास जो पिटफॉल्स होते हैं उसमें दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपने ध्यान रखना होता है कि ये कितनी थिक है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे ही आपने देना है इंसिजन। कभी कभार इतनी थिक होती है कि आपकी आधी कटती है, आधी कटती ही नहीं है। और कभी कभार इतना इन्फ्लेमेशन हुआ हुआ होता है कि यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जो पोस्टीरियर वॉल है आपके इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की, वो इतनी इन्फ्लेम होती है कि दोनों मिक्स अप होते हैं। तो आप गलती से इंसिजन पोस्टीरियर मीटल वॉल में दे देते हैं, तो वो फिर बड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ता है उसका। ठीक है, और तीसरी बात ये आपने पढ़ा था कि हमारे पास अंदर ये मिडल ईयर कैविटी जो है इधर नीचे फ्लोर में इसके ना कभी कभार ऐसा होता है कि जुगलर बल्ब जो है फ्लोर इसका पूरा कंप्लीट नहीं होता, जुगलर बल्ब आपको ऊपर बल्ज कर रहा होता है। जुगलर बल्ब इज योर पोर्शन ऑफ अ वेन। ठीक है, तो अगर वो ऐसा हो और आपने इंसिजन दी बेध्यानी में और आपने ध्यान नहीं किया कि अंदर वो जुगलर बल्ब हो सकता है, जुगलर बल्ब को लग गई तो बेतहाशा ब्लीडिंग हो जाती है। तो इन चीजों का आपने जहन में रख के इंसिजन इसीलिए माइक्रोस्कोप के अंदर देते होते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑप केयर में बस पेशेंट को कहना है कि कान को गीला नहीं होने देना जब तक इंसिजन है, कम से कम तब तक, और साफ सुफ रोजाना करता रहे जितना कुछ ड्रेन हो रहा है। और कुछ कुछ ही दिनों में जो आपका आपसे पूछते होते हैं वाइवा का क्वेश्चन कि हमारे पास ये इंसिजन आप दे देते हैं तो इसको बंद कौन करेगा, तो आपने याद रखना है कभी भी नहीं कहना कि इसको हमने बाद में खुद टांके लगाने हैं। नॉर्मल हालात में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज योर फास्टेस्ट हीलिंग स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी। कुछ घंटों में भी, इवन मतलब दिन तो मैं ज्यादा बता नहीं, कुछ घंटों में भी ये इंसिजन आपकी बिल्कुल ठीक खुद ब खुद ही बंद हो जाती है। ठीक है, तो फास्टेस्ट हीलिंग स्ट्रक्चर आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने नहीं बंद हुई कि ड्यू टू एनी रीजन, तो फिर आपको मेरिंगोप्लास्टी करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन वो बहुत कम ही होता है, ज्यादातर खुद ही हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बता दी, यही हो सकता है कि अंदर आपने जुगलर बल्ब को कर दिया तंग, या आपने इतने जोर से इंसिजन दी कि अंदर आपने बोन्स को, खासतौर पर इनक्यूडोस्टेपीडियल ज्वाइंट, इनकस और स्टेपीज का ज्वाइंट होता है, उसको आपने डैमेज कर दिया, यही हो सकता है। अच्छा, ग्रोमेट की बात आ जाती है, तो ग्रोमेट आपको मैंने बता दी कि छोटी सी नलकी जैसी चीज है जो कि आप इंसर्ट करते हैं ताकि ड्रेन होता रहे। इसका मटेरियल आपसे बहुत ज्यादा पूछते होते हैं, ज्यादातर सिलिकॉन या टेफ्लॉन का होता है क्योंकि ये इनर्ट सब्सटेंसेस है। कभी कभार गोल्ड का भी होता है, लेकिन गोल्ड बहुत महंगा है भाई, उसका नहीं बनाते होते हैं ज्यादातर। और कॉम्प्लिकेशंस ग्रोमेट के क्या हो सकते हैं, अब आपको पता है कि नलकी हमने एक डाल दी जिससे सिक्रीशंस निकलती रहे, अगर सिक्रीशंस इतनी थिक थी तो नलकी ब्लॉक हो सकती है, ब्लॉक हो जाएगी तो पीछे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, और ये इन्फेक्शन होगा तो ये इन्फेक्शन को कोई देखेगा नहीं, तो ये आसपास की यानी कि पीछे मेस्ट्रॉइड में चला जाएगा, मेस्ट्रॉइडाइटिस कर देगा, कहीं और इनर ईयर में जा सकता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि खुद ब खुद ही एक्सट्रूड होकर निकल आती है ग्रोमेट साहिबा, और पीछे से जो इंसिजन है वो खुली की खुली रह जाती है। ठीक है, इसमें कोई ग्रेनुलोमा बन सकता है, तो ये सारी बातें लिखी हुई है, एक नज़र देख लेना, कभी कभार आ जाती होती है। लेकिन ग्रोमेट का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एसीक्यू आता है, ऑस्पी में भी आता होता है और आपके वाइवा सॉरी एसीक्यूज में भी, कि तस्वीर आ जाती है, बताते हैं कि ऑस्पी में बहुत ज़्यादा आती है कि इसको आइडेंटिफाई करें। उसमें उन्होंने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाई होती है, उसके दरमियान में ऐसे ये छोटा सा ग्रोमेट होता है, बस इतनी सी चीज तस्वीर होती है। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की पिक्चर होती है, दरमियान में एक गोल दायरा सा बना होता है, तो वो गोल दायरा बेसिकली ग्रोमेट होता है, उसको आइडेंटिफाई में आपने ग्रोमेट लिखना होता है, फिर उसका यूज पूछते हैं। तो यूज यही होता है कि हमने सिक्रीशंस को ड्रेन करने के लिए इसको डालना होता है। दैट्स इट, यहाँ पर बात खत्म करते हैं, बाकी वीडियोस इंस्टाग्राम जो है वो छोटी बनेंगी, ये जरा बातें लंबी थी तो इस वजह से लंबी होगी, अगर किसी कोई मसला हो ना। थैंक यू।